Welcome back to TMI Swarm Based Education Student. Today we are going to teach subtraction. Subtraction किसका? Fraction का. तो भाई fraction का subtraction है, तो जैसे addition था वैसे subtraction है. लेकिन बेटा ये है ना, addition से भी easy होने वाला है. क्यों पूछो? क्यों? तो भाई मैं बोलूँ, यहाँ पे देखो सिर्फ और टू ही fraction है ना. टू ही fraction, addition में क्या होता, तीन तीन fraction साथ में आते थे, फिर addition करना पड़ता था. लेकिन यहाँ पे क्या है, टू ही addition है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टू ही फ्रैक्शन है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन इजी होने वाला है हमारे लिए. ठीक है, तो जैसे एडिशन में था पहले लाइक फ्रैक्शन, फिर अनलाइक, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक, वैसे ही यहाँ पे पहले लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन का, और उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन का. ठीक है, तो चलो भाई. तो जिस बच्चे ने अच्छे से देखा है हाउ टू चेंज द अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, वो बच्चों के लिए आसान ही होने वाला है. ठीक है, अगली तीन एक्सरसाइज वो बच्चों के लिए इजी है. ठीक है भाई, तो चलो भाई साथ में करो. सेवन सेवन दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है सेवन, तो यहाँ पे लिख दो सेवन. थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, आंसर आ गया टू अपॉन सेवन. खत्म बात. इतना सा काम करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही काम करना है. क्यों भाई? मैंने सिर्फ इतना सा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही क्या था, डिनोमिनेटर सेम था. डिनोमिनेटर सेम था उसका मतलब क्या है कि वो लाइक फ्रैक्शन है. अब लाइक फ्रैक्शन होगा तो कॉमन डिनोमिनेटर ही तो लगाएगा. दोनों में क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर 15 15, तो यहाँ पे लिख दो 15. न्यूमिनेटर का सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, माइनस वाला, सब्ट्रैक्शन का साइन है. तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, डिनोमिनेटर 15. सिंपल सी बात. देखो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है. आंसर कहाँ पे होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होना चाहिए. ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है आंसर, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है भाई. ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलो 7 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 16, कॉमन डिनोमिनेटर लगा दो 16. 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 16. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बीच में 3 into 2 6 होता है, और 8 into 2 16 होता है. तो 2 2 को कैंसिल करना पड़ेगा. कॉमन फैक्टर को क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे. कहाँ से? न्यूमिनेटर के कॉमन फैक्टर और डिनोमिनेटर के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम कैंसिल करेंगे. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 अपॉन 8, और वो भी क्या है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. तो बेटा ठीक, पूरे की पूरी एक्सरसाइज नंबर 9, उसमें 10 क्वेश्चन है. देयर आर 10 क्वेश्चंस. ठीक है, वो अपने आप सॉल्व कर दो. ठीक है, अपने आप ऐसे ही है, और सभी बहुत ईजी है. ठीक है, चलो ये आपको होमवर्क है. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ता हूँ. अब इसमें थोड़ा टाइम पास नहीं कर रहे हम, है ना, क्योंकि ये इजी मेथड है. एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, और सिर्फ 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही है प्रैक्टिस करना. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 9 है वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 की ओर. तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 10 है वो कौन सा टाइप है, सब्ट्रैक्शन ऑफ दी अनलाइक फ्रैक्शन वाला टाइप है. अनलाइक फ्रैक्शन यानी क्या होता है भाई, द फ्रैक्शन हैविंग अ डिफरेंट डिनोमिनेटर, इट्स कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो बेटा सेम नहीं है तो सेम उसको बनाना पड़ेगा, तो उसको सेम में चेंज करना पड़ेगा, है ना. तो बेटा यहाँ पे एलसीएम लेते थे हम, याद करो एडिशन में, तो ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 6 है. तो क्या 6 का टेबल बोलो, 6 1 6, तो क्या ये 6 है वो 3 के टेबल में भी आ सकता है? बोलो कि जी सर बिल्कुल आता है. तो बस ये 6 जो था ना वही हमारा एलसीएम है. तो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 कर दो भाई, तो यहाँ पे 6 तो है ही, यहाँ पे 6 करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे 2 अपॉन 3 तो था ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करो, तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा. 2 into 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6. अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया,
तो बेटा डिनोमिनेटर को कॉमन, 4-1 तो आंसर रहेगा 3/6, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो कॉमन फैक्टर है, 3 × 2 = 6 होता है, और 3 × 1 = 3 होता है, 3 कॉमन है तो कैंसिल करो और लास्ट में आएगा आंसर 1/2 इज अवर लास्ट आंसर, 1/2 विल बिकम अवर लास्ट आंसर। क्यों? क्योंकि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो भाई ऐसा है ना, जैसे एडिशन था वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि उससे भी ज़्यादा ईजी है ना। चलो, क्योंकि आंसर जो भी निकलता है ना वो प्रॉपर में ही निकलता है, अभी तक तो नहीं है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला आंसर, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 24 है, 2 है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर का, और 24 और 2 का एलसीएम कैसे करोगे आप, 24 का टेबल बोलो। सर मुझे नहीं आता। अरे भाई ट्राई तो करो, 24 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आता होगा ना, वो तो 24 ही होता है, तो क्या ये 24 2 के टेबल में आता है? सर मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि 2 × 10 = 20 हो गया भाई, 2 का टेबल ख़त्म हो गया। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। चलो तो बेटा आप ये करो, 24 / 2, 2 × 1 = 2 = 0, ब्रिंग डाउन टू 4, 2 × 2 = 4, 4 − 4 = 0, मतलब क्या हुआ कि 22 = 24 होता है, 12 × 24 होता है, मतलब कि यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, 1/2 था, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12, -1/24 का 24 तो था ही, समझ में आई बात, बिल्कुल ईजी है। चलो अब हम क्या करेंगे भाई, 1 × 12 = 12, 2 × 12 = 24, -1/24 कॉमन डिनोमिनेटर 12 − 1 = 11/24, लास्ट आंसर 11/24, खत्म बात, इजी है ना भाई, बिल्कुल इजी है। चलो अभी यहाँ पे थोड़ा बड़ा आंसर आ गया, सॉरी बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई बड़ा नंबर कौन सा, 36 है, तो बेटा 36 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता और आपको भी नहीं आता, तो हम एलसीएम लेने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते थे, याद करो चैप्टर नंबर 3, उसमें हम एलसीएम कैसे करते थे, ऐसे ही तो करते थे, 2 से दोनों नंबर डिविजिबल है, तो 12 × 2 = 24 है ना, 2 × 1 = 2, 1 remainder 18, मतलब 18 × 2 = 36, ओके, वापस से 2 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 12, अब दोनों नंबर है 3 से डिविजिबल है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, अब ये दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब ये सभी का मल्टीप्लीकेशन करो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 3 = 72, नहीं मालूम, 24 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, carry 1 to the next place, 3 × 6 + 7, 6 + 1 = 7, तो बेटा 24 × 3 किया तो 72 आ गया है ना। तो बेटा ऐसे एलसीएम निकाल लो आप, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 3 = 72, 72, तो बेटा मुझे मालूम पड़ा कि 72 आया, और 24 के टेबल में कब आया, 3 में आया, 36 में मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, देखना ऐसे करो आप, 7 × 24 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3, 5 / 36 है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा है ना। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 3 करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 करो। चलो भाई 7 × 3 = 21 / 72, 10 / 72, 5 × 2 = 10 / 72 है ना। तो बेटा कॉमन डिनोमिनेटर 72, 21 − 10 = 11/72, 21 − 10 = 11 ही तो होता है, 11/72, ये फाइनल आंसर है। ठीक है,
तो बेटा पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 10 देख लो आप लोग, ऐसी ही है और इससे बड़ा तो कोई क्वेश्चन है भी नहीं। सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। तो बेटा वो भी आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। आप जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो होमवर्क करने के लिए, लेकिन करो, ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। एक दिन में नहीं होता तो दो दिन ले लो, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 9 और 10 आप खुद से सॉल्व करोगे। नहीं समझ में आया तो गूगल मीट में मुझसे डिस्कस करो, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं PDF भी भेज दूंगा, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपने वीडियो है पूरा अच्छे से समझा है और आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद, टेक केयर।